अभी आप जानते हैं कि हाल ही में जिस दिन यहाँ पे ओक ओवर में हमारा हिमाचल प्रदेश का वन महोत्सव प्रदेश स्तर पे मनाया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये ऐलान कर दिया कि पूरे हिमाचल में एक SOP बनाई गई है। उस SOP के माध्यम से जो भी गिरे पड़े पेड़ हैं उसे हर महीने जिम्मेवारी होगी बीट गार्ड की, वो उसे काउंट करें। 1 से 10 तारीख तक उसके जो है निशानदेही, काउंटिंग, इन्यूमरेशन और मार्किंग जो बोलते हैं वो होगी। 10 से 15 तक उसके जो है इकोनॉमिक्स बनेगी और 15 से 20 तक उसको जो कन्वर्जन किया जाएगा, और 20 से 25 तारीख से 30 तारीख तक उसको वहीं पे लोकल डिमांड के लिए बेचा जाए। इसका प्रावधान जो नए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर साल्वेज ट्रीज जो बना रहे हैं उसमें जो ये सारी ताकतें बीट गार्ड से लेकर जो है हमारा डेप्टी रेंजर है और रेंज रेंज को दिया जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कंगना जी ये भूल गई है कि अब वो चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। चुनी हुई प्रतिनिधि का ये राजधर्म है कि जैसे कोई आपदा होती है तो ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, वो पैदल पहुंचे, वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे, वो तो एक बहुत बड़ा उनके पास इंतजाम है, वो कैसे भी पहुंचते, लेकिन ग्राउंड जीरो पे पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति जनता के बीच में जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है स्वाभाविक तौर पे एक लोगों का ढांढस भी बनता है और उसके साथ में जो प्रशासन भी हरकत में आता है। मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ उसमें देरी की है, उन्होंने उस बात को हल्के से लिया है, और जब वो आई भी है तो ये मतलब उन्होंने उसको एक राजनीतिक मंच की तरह उस स्थिति को जो वहाँ पे घटनाक्रम है, जो वहाँ पे बदहाली है या जो लोग मातम में डूबे हुए हैं और जो रेस्क्यू का काम चला है, बजाय उसमें कोई सहयोग देने के वो एक टिप्पणियां जो कर रही हैं, वो मेरे ख्याल ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति इस समय तो ये था कि वो अपने क्षेत्र की मांग को उठाती, यहाँ के लिए अतिरिक्त जो है बजट उसको केंद्र से मुहैया करवाती, जो उन्होंने कहा था कि वो एक डाकिये का काम करती, लेकिन वो डाकिया तो ऐसा लग रहा था कि वो अपना पार्सल ही गुम उनका हो गया है, और उनका जो पूरे का पूरा एक संपर्क उनका अपना ही कट चुका है एरिया से, तो हम क्या उम्मीद रखें कि वो उनको मालूम ही नहीं है कि कौन से पोस्ट ऑफिस से डाक उठानी है और कौन से पोस्ट ऑफिस पे डिलीवर करनी है, पहले उनको ये समझना होगा, लेकिन उसके लिए जमीन पे धरातल पे आना होगा। मैं समझता हूँ ऐसे वक्त में कोई ये टिप्पणी करना अशोभनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। हमारे जो अभी हाल ही की जो बरसातें हुई है उसमें कुल्लू जिला में खास तौर पे जो हमारा बागी पुल है, सिमेज है, वहाँ पे जो कुल्लू वाला जो जिले का हिस्सा है उसमें से 9 लोग बागी पुल से मिसिंग है और 3 लोग सिमेज से मिसिंग है। तो बाकी जो हमारे वहाँ पे जो डिपार्टमेंट के जो पूरे कुल्लू जिला में जो नुकसान अभी तक आंकलन हुआ है वो लगभग 46 करोड़ रुपये है, और उसके साथ में जो व्यक्तिगत जो नुकसान अभी आंका गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा वो लगभग 18 करोड़ है। अभी तक 2 बॉडीज रिकवर हुई है बागीपुल में, और जो हमारा कुल्लू में खास तौर पे मलाना का क्षेत्र है या वहाँ पे बलादी पहल है जिस मलाना नाला में जो बादल फटने की वजह से जो वहाँ पे नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे जो हमारी मुख्य जो समस्या है वो मलाना गांव के लिए राशन की उपलब्धता को लेकर है, फर्स्ट एड जो है चिकित्सा को सुविधा देने की बात है, बिजली को बहाल करने की बात है, उन सब बातों के लिए तत्परता से काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो है
पूर्णतः सक्रिय रहा और आज खासतौर पे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। और अभी हम कुछ एक रज्जू मार्ग, कुछ एक झूला पुल, कुछ एक बेली ब्रिज रिकॉर्ड समय में ये लगाए गए हैं, तो इससे कुछ एक राहत इन इलाकों में हुआ है। लेकिन फिर भी जब तक पूर्ण रूप से वहाँ पे हमारे सारी की सारी उपलब्धताएं नहीं होती है, तब तक हमारा जो ये काम जारी रहेगा। इसके लिए हम समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं, लेकिन मौसम बाधा बना हुआ है, बीच बीच में बारिश का होना, तो इस वक्त खासतौर पे जो है ये बॉडीज को रिकवर करना और इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बहाल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए। सर, मुलाना के लोगों ने इस बार नई मिसाल पेश की, तो पुल बना दिया उन्होंने जल्दी, दूसरा वो हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उनके इस प्रयास को? देखिए, मलाना का जो मैं अभी स्थिति है, मैं खुद बराज साइट तक गया, झूले में पार करके, जो कि काफी जिस दिन फ्लड आया है उस दिन भी हम सुबह 5 बजे वहां पे पहुंचे, और जो एनडीआरएफ की टीम, हमारी लोकल पुलिस की, होमगार्ड की, फायर ब्रिगेड की, लोकल वॉलेंटियर्स, वो एक पहाड़ी को लांग कर उस तरफ गए हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मलाना जो पूरे जो है जो पार्वती वैली का जो रोड है, सौभाग्य खुशकिस्मती इस बात की कि पिछले साल में हमने जो पिछले साल का फ्लड था उससे जो पार्वती बुंतर से मणिकरण का रोड है वो एक दिन भी अवरुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए हमने पिछले साल के फ्लड्स के बाद सीआरआईएफ में बहुत सारा पैसा खर्च किया और वॉल्वो बसेस अभी कसोल तक चल रही है। तो आप समझिए, सिर्फ अब जरी से लेकर मलाना की कनेक्टिविटी को कैसा बनाया जाए, और मलाना से आगे 3-4 पुल बह गए हैं। अब वो गांव वाले वहां पे लगभग जो है 2,500 की आबादी है जो ऊपर गांव में, और सावन का महीना चल रहा है, देवता जो जमदग्नि जी का सबसे बड़ा जो है वहां पे 15 अगस्त के साथ है, सावन का मेला लगता है, उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि वहां 3,000 लोग जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे उन्होंने ऊपर से नीचे कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए एक ब्रिज डाला, और वो ब्रिज जो उन्होंने डाला उन्होंने गांव वालों जैसे एक जुटता शुरू से रहती है, उन्होंने उस ब्रिज को डाला है। लेकिन नीचे से अभी सरकारी तौर पे जो अगर मलाना को जोड़ना हो उस ब्रिज तक, तो लगभग लग रहा है कि 6 महीने लगेंगे, क्योंकि कोई भी नामो निशान जो मलाना वन का जो ब्राज है वहां से लेकर जो मलाना टू के ब्राज तक, ये पुल लगभग मलाना गांव के नीचे है, और ये जो है जो नेरंग उनकी एक जगह है वहां से इसको जोड़ा जाता है। तो इन्होंने अपने जो खेतों तक तो उस तरफ तक पुल बना दिया है, लेकिन मलाना से अगर कुल्लू के लिए आना हो, जरी के लिए आना हो, तो अभी उसके लिए बहुत वक्त लग रहा है। लेकिन बड़ी तेजी से जो उन्होंने पुल जो बनाया है उससे कोई ज्यादा राहत उनको नहीं हुई है, क्योंकि वो मुख्य संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन उसके साथ में उन्होंने हेलीपैड भी वहाँ पे एक कोशिश की है। परसों मेरे पास मलाना के प्रधान, उप प्रधान और देव संस्कृति के लोग आए थे, एतवार के दिन भी हमने, रविवार के दिन भी उनसे बैठक की, और अब हम जो है युद्ध स्तर पे ये कोशिश की जा रही कि नंबर एक राशन उनको मुहैया करवाया जाए। अभी तो उनको जो है वहाँ पे लेबरर के माध्यम से लगभग 30 किलो का राशन कोई 1500 रुपए में, 50 रुपए किलो के हिसाब से कैरेज हो रहा है, ये हमारी वचनबद्धता है, उसे हमें पूरा करना है। और दूसरा जो रास्ता है नगर चंद्र खनी होके है, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो हमारे लिए चैलेंज है वो वहाँ पे राशन पहुँचाना है। उसके लिए हमने 2 रोपवे, आज उनका काम शुरू हो रहा है, और बराज तक जैसे ही ये रोड पहुँच जाता है, अभी उससे पहले झूले से क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, तो वहां से 2 रोपवे लगते ही बहुत सारी चीजें सामान्य राशन के मामले में होगी। लेकिन अब दिक्कत है कि वहां पे डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट वगैरह कोई ऐसा रखा जाए और मेडिकल इमरजेंसी में उनको इवैक्यूएट करना है, तो उसके लिए हमारे को जरूर जो है हेलीकॉप्टर का मदद लेनी पड़ सकती है। अभी सॉटी वहां पे नहीं हो पाई है,
क्योंकि हम आकलन नहीं कर पाए कि उन्होंने जो हेलीपैड वहाँ पे बनाने की कोशिश की है वो कितना जो है टेक्निकली सही है, तो उसको भी देखा जाना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मौसम का जो ये चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, जैसे मौसम सामान्य होता है तो हम कुछ हेलीकॉप्टर की सॉटी भी करेंगे, और उसके साथ में जो है अभी हाल ही में जो ये रोपवे सेटअप का काम उसे बड़ी तेजी से किया जा रहा है ताकि तार स्पैन लग के राशन वहाँ पे पहुँच जाए।